You picked the wrong house, fool! Hey, hey, Big Smoke, it's me, Carl. Chill, chill. हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। कार्ल जॉनसन GTA San Andreas का इतना ज्यादा पॉपुलर और पसंद किया जाने वाला प्रोटैगनिस्ट है कि लोग सीजे के बारे में आज भी बात करते हैं, और जो लोग सीजे को नहीं भी जानते थे वो अब इन मीम्स के बाद सीजे को पहचानने लगे हैं। तो गाइस आज हम जानेंगे सीजे AKA कार्ल जॉनसन के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, और इस वीडियो के एंड में हम बात करेंगे San Andreas के बाद सीजे का क्या हुआ और क्या वो अभी जिंदा भी है या नहीं। गाइस GTA San Andreas से पहले जितने भी प्रोटैगनिस्ट आए हैं उसमें से सीजे सबसे ज्यादा अलग है, क्योंकि पिछले गेम के प्रोटैगनिस्ट जैसे कि टॉमी और क्लॉड, इन दोनों की पर्सनैलिटी बहुत ही ज्यादा अलग और रूथलेस है। यानी कि ये दोनों ही प्रोटैगनिस्ट किसी को मारने से पहले हेजिटेट नहीं करते। वहीं अगर हम सीजे की बात करें तो यार हमारा सीजे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। सीजे के अंदर इमोशंस हैं और सीजे को अपनी गलतियों का एहसास भी होता है। और सीजे की अर्ली लाइफ के बारे में बात करें तो सीजे अपने ही घर जॉनसन्स हाउस में पैदा हुआ था। उस टाइम पे सीजे की फैमिली में टोटल 5 मेंबर्स थे, सीजे, स्वीट, कैंडल, सीजे की मदर बेवरली जॉनसन और सीजे का ब्रदर ब्रायन, एंड इसके अलावा सीजे के डैड भी थे जिसे सीजे ने कभी भी नहीं देखा था। और जॉनसन सिबलिंग्स बिग स्मोक और राइडर ये सभी चाइल्डहुड फ्रेंड्स होते हैं और ये साथ में ही बड़े हुए थे। अगर आपको सीजे की बैक स्टोरी और भी ज्यादा डिटेल में जाननी है तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। गाइस GTA 4 गेम के अंदर हमें सीजे का ईस्टर एग देखने को मिलता है। GTA 4 गेम में एक अपार्टमेंट होता है जिसके वॉल पे GTA फ्रेंचाइज के काफी सारे प्रोटैगनिस्ट के नेम्स लिखे होते हैं, जैसे कि टॉमी, सीजे, क्लॉड, विक्टर वेंस, इन सभी के नामों को क्रॉस किया होता है या फिर इन सभी के पीछे रेस्ट इन पीस लिखा होता है। तो इस चीज को देखने के बाद फैंस काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए और काफी ज्यादा सवाल भी उठने लगे इस चीज को लेकर, और कुछ लोगों ने तो बिलीव भी कर लिया था कि ये ट्रू है। लेकिन विक्टर वेंस को छोड़कर जितने भी प्रोटैगनिस्ट के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं वो सारे प्रोटैगनिस्ट अभी भी जिंदा हैं। और अगर हम विक्टर वेंस की बात करें तो विक्टर वेंस वाइस सिटी की स्टार्टिंग में ही मर जाता है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए रॉकस्टार ने ये बताया कि ये बस एक जोक था, और सारे प्रोटैगनिस्ट को डेड यहाँ पे इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि GTA 4 पहला गेम था GTA फ्रेंचाइज के HD यूनिवर्स का, इसलिए GTA 4 एक न्यू एरा को सिंबलाइज करता है। गाइस सीजे का रेफरेंस हमें GTA फ्रेंचाइज के काफी सारे गेम्स में मिलता है, जिसमें से सबसे बड़ा और सबसे कूल ईस्टर एग GTA 5 में ही है। तो GTA 5 का एक मिशन है जिसका नाम हुड सफारी है। इस मिशन में हमें एक ड्रग डीलर के घर पे जाना होता है जिसका घर ग्रोव स्ट्रीट में होता है। तो जब हम ग्रोव स्ट्रीट जा रहे होते हैं तो हमें यहाँ पे 3 लोग दिखाई देते हैं जो कि साइकिल चला रहे होते हैं। तो इसमें तो कोई एक्सप्लेन करने वाली चीज ही नहीं है, इसे देखकर आपको ये पता चल ही गया होगा कि ये GTA San Andreas के फर्स्ट मिशन का रेफरेंस है, जिसमें सीजे, राइडर और बिग स्मोक बालास गैंग के मेंबर से भाग रहे होते हैं। तो मुझे ये वाला ईस्टर एग सबसे ज्यादा पसंद आया GTA 5 के अंदर। और अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर हम इनको मार दें और इनके फेस को देखें तो क्या ये सीजे, बिग स्मोक और राइडर से सिमिलर लगते हैं या नहीं, तो अनफॉर्चुनेटली इनका फेस बिल्कुल भी सेम नहीं है। लेकिन हमें ये जरूर पता है कि ये सीजे ही है क्योंकि इसका भी आउटफिट सेम है सीजे से, और राइडर और स्वीट दोनों ने ही ग्रीन कलर के कपड़े पहन रखे हैं जो कि ग्रोव स्ट्रीट का कलर होता है। गाइस आपको GTA San Andreas का रॉन्ग साइड ऑफ द ट्रैक्स मिशन तो जरूर याद होगा। इस मिशन में हमें बिग स्मोक के साथ मिलकर वागोस गैंग के मेंबर्स को मारना होता है जो कि ट्रेन के ऊपर होते हैं। एंड सीरियसली गाइस मैंने इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए 3 दिन लगा दिए थे, और जब भी मिशन फेल्ड होता था तो मैं बिग स्मोक की इस लाइन से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता था। All we had to do was follow the damn train, CJ. तो ये मिशन GTA San Andreas का सबसे अनोइंग मिशन माना जाता है, जिसके ऊपर बहुत सारे मीम्स भी आ चुके हैं। लेकिन सबसे कमाल की चीज तो अब आती है, GTA 5 का एक मिशन है जिसका नाम है डीरेल्ड, जिसमें ट्रेवर एक ट्रेन को हाईजैक करता है और लास्ट में उसे स्टिकी बॉम्ब से उड़ा देता है। तो इस मिशन के एंड में जो अचीवमेंट होता है उसका नाम होता है बेटर देन सीजे। गाइस GTA 4 के अंदर हमें सीजे का रेफरेंस और भी कई सारी जगहों पर मिलता है, जैसे कि गेम के अंदर एक पोस्टर है जिसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बिल्कुल सीजे की तरह दिखता है। इसके अलावा कई सारे जो कैश रजिस्टर्स होते हैं गेम के अंदर उसके भी बटन्स पे सीजे लिखा होता है। गाइस GTA San Andreas के अंदर सीजे के कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा नाइव और इनएक्सपीरियंस दिखाया जाता है, और कई लोग तो सीजे की इंटेलिजेंस पे भी सवाल उठाते हैं, जैसे कि कैटालिना, द ट्रूथ और राइडर। गेम के अंदर सीजे बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली मिस्टेक्स करता है, और सीजे की इंसल्ट भी बहुत ही ज्यादा होती है गेम के अंदर। जैसे कि अगर हम रॉन्ग साइड ऑफ द ट्रैक मिशन की ही बात कर ले तो इस मिशन में गलती बिग स्मोक की होती है, लेकिन ब्लेम सीजे को किया जाता है। इसके अलावा सीजे ही मैड डॉग की लाइफ बर्बाद करता है, और बाद में मैड डॉग की हेल्प
भी करता है ताकि वो अपना करियर बना पाए। इसके अलावा सीजे ही आग लगाकर डेंसी की जान को खतरे में डालता है और बाद में उसे बचाने जाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सीजे जीटीए फ्रेंचाइज का सबसे ज्यादा गलती करने वाला प्रोटैगनिस्ट है। गाइस, सीजे ओजी लॉक को एक कन्वर्सेशन में ये बोलता है कि सीजे पहले एक रैपर हुआ करता था, और अगर हम बात करें सीजे के वॉइस एक्टर यंग मेले के बारे में तो यंग मेले भी एक रैपर हैं, और जीटीए सैन एंड्रियास का एक रैप भी आया था जिसे सीजे यानी कि यंग मेले ने गाया है। इसके अलावा यंग मेले के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे उन्होंने एक और रैप वीडियो बनाया है जिसका नाम है ग्रोव स्ट्रीट फीचरिंग सीजे। तो अगर आपको ये रैप वीडियो सुनना है तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। Welcome to San Andreas, I'm CJ from Grove Street. Land of the heinous, gangbangers in cold heat. And Los Santos neighbors get no sleep. Beefing with anybody, competing even... तो गाइज, अब हम बात कर लेते हैं GTA San Andreas के बाद कार्ल जॉनसन का क्या हुआ। तो GTA San Andreas के एंड में हम देखते हैं कि कार्ल जॉनसन बहुत ही ज्यादा रिच हो चुका है। सीजे के पास कई सारे बिजनेसेस होते हैं और उनमें से सबसे मेन बिजनेस होता है फोर ड्रैगन्स कैसीनो, जिसमें से 33% स्टेक सीजे का होता है। तो अगर हम GTA 4 वाले ईस्टर एग की बात करें जिसमें कार्ल को एक पोस्टर में काफी रिच दिखाया जाता है, तो इसका मतलब ये निकल सकता है कि सीजे अब काफी ज्यादा रिच हो चुका है और वो लिबर्टी सिटी में अपने ब्रांड फ्रंट ए लॉर्ड की एडवर्टाइजमेंट करा रहा होता है। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है एंड की। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि GTA San Andreas के एंड में सीजे, मैड डॉग, केंट पॉल और बाकी सब मिलकर प्लान करते हैं वर्ल्ड टूर पे जाने का। और यार, गेम के एंड में सीजे को किसी गैंग या फिर किसी बंदे का भी खतरा नहीं होता है, जिसका मतलब है सीजे अभी भी जिंदा होगा और वो 52 इयर्स का हो चुका होगा। और यार, GTA 5 में तो हम सीजे के ईस्टर एग को भी देखते हैं जिसे इंटेंशनली डाला गया है गेम के अंदर, तो मुझे नहीं लगता कि सीजे मर चुका होगा। तो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं कि सीजे GTA 6 में आएगा या नहीं। तो अनफॉर्चुनेटली यंग ने इंस्टाग्राम में एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने ये बोला कि वो GTA 6 में काम नहीं कर रहे हैं और वो रॉकस्टार के साथ फ्यूचर में कभी भी काम नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने जो पोस्ट किया था उसमें उन्होंने काफी सारी चीजें क्लेरिफाई नहीं की थी, तो इस टॉपिक के ऊपर भी मैं डिटेल्ड में एक वीडियो बनाऊंगा। तो हाँ यार, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करना, और अगर आप इस चैनल पे नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि मैं गेमिंग से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।